ईमान, बातों ने चोटी धारी जिसके दुनिया का एक गुणगान। शत्रु हजारों अड़ाते हैं टांग, चतुर खोपड़ी ये बनाए बिगड़े काम। मुश्किल में याद आए सबको जो नाम, सबसे नमस्कार मित्रांनो, मी पूजा बोरकर, लोकमत डॉट कॉम मध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज जरा एका वेगळ्या आणि माझ्या फेवरेट ॲक्टिंग म्हणा, एक्सप्रेशन्स म्हणा, त्याचं लुक म्हणा, ईच अँड एव्हरी फ्रेम खाणारा एकच माणूस आहे, तो म्हणजे कृष्णा भारद्वाज। कृष्णाजी, फ्रेम खाने वाले हो आप, और लिटरली आपके एक्सप्रेशन्स बोलो, आपका लुक बोलो, अमेझिंग, म्हणजे आउटस्टँडिंग। आय एम अ बिग फॅन ऑफ तेलंगणा। थँक्यू 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 सो मच। ये लुक वगैरह का तो इसका सारा क्रेडिट क्रिएटिव टीम को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सारा रिसर्च किया और क्या कैसे क्या डिज़ाइन करना है, क्या ज्वेलरी देनी है, ये चोटी कैसा रखना है, सब कुछ उन लोगों ने डिसाइड करके ये फाइनल लुक मुझे दिया है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू प्ले दिस। डेफिनेटली, कृष्णा या तेलंगणा, आप किससे बात करना चाहते हैं? कृष्णा से। हाँ, तो देन कृष्णा, एनी डे कृष्णा। अच्छा कृष्णा, बता दो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, जब फर्स्ट कॉल आया आपको तेलंगणा का, तो क्या एक्सप्रेशन से और क्या दिमाग में था ये सारी चीज़? फर्स्ट कॉल आया था मुझे लास्ट ईयर अक्टूबर में, और फ़ोन कॉल आया था कि तेनालीरामा करके एक शो आने वाला है जिसके लिए आपको ऑडिशन करना चाहते हैं, और एक कंडीशन है कि यदि आपको ये मिल जाता है तो आपको बॉल्ड होना पड़ेगा, सर मुंडवाना पड़ेगा। हम एक्टर्स जो होते हैं, हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, हमारी आँखें, हमारे बाल, हमारा फेस, हमारा लुक। टीवी सीरियल के लिए सर मुंडाना, मैं सोचा कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई सीरियल के लिए थोड़ी सर गंजा करेगा अपना और करेगा। पर मैं उस दिन फ्री था तो मैं ऑडिशन के लिए चला गया, जिसका फाइनल कॉल मुझे आया मई में, मतलब ऑडिशन देने के 6 महीने बाद। तो इस तरह से 26 मई को मैंने अपना सर मुंडवाया, और 27 से मैंने शूटिंग शुरू कर दी इसकी, और उसके बाद से जो ये जर्नी चल रही है, आज 7 महीने हो गए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, लोगों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। कहा जाता है ना कि लड़कों को स्पेशली बालों से लड़कियों को इम्प्रेस करना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, मतलब डेफिनेटली वो एक हर एक लड़की की एक होते ना खासियत होती है। ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे। आप तो गंजा हो गए लड़कियों के फैन, इतने मतलब इतनी फीमेल फॉलोअर्स हो चुकी कि पूछो। मुझे एक्चुअली पूरे सोशल मीडिया पे सब जगह पे ये मैसेज आता है कि आप टकले होने के बाद ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो पहले मेरा भी यही अगला सेंटेंस था। तो पहले तो मैं बालों के साथ क्यूट लगता था, पर आई थिंक मैं पहला गंजा हूँ जो बिना बालों के क्यूट लगता हूँ। बट नहीं, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द फैंस जिनको मैं पसंद आता हूँ इस लुक में, तो क्यूट का एक टैग यहाँ पे लग गया है मेरे सर पे, तो यही है अब जो है। उसका सेवन तो तुम ही करो, बनाया भी क्या होगा, गंदा सा दलिया। आज मैं बाजार जाके पूरी भाजी खाऊंगा, तत्पश्चात दरबार जाऊंगा। तो अभी आगे की जर्नी क्या सोचिए, क्योंकि तेलंगणा इट्स गोइंग आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, आपका लुक, आपकी पर्सनालिटी, एक एक एक्सप्रेशंस क्या आ जाए, ईच एंड एवरी एक्सप्रेशंस मतलब मार्वेलस, कोई मतलब कोई तोड़ ही नहीं है उस चीज़ की। थैंक यू सो मच। बस अभी तो फिलहाल यही करना है, तेनालीरामा जब तक चल रहा है तब तक यही करना है, क्योंकि काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को। मेरी अभी एक गुजराती फिल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है चल मन जीतवा जाइए, जिसके लिए मैंने गुजराती सीखी थी 2 महीने, और उसमें मेरे बाल थे क्योंकि उसकी शूटिंग अप्रैल में ख़त्म हुई और मई में मैंने ये शुरू किया। वो भी बहुत अच्छी जा रही है, काफ़ी हाउसफुल शोज जा रहे हैं। तो एज़ अ परफॉर्मर मुझे काफ़ी मज़ा आता है ऐसे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स करने में, क्योंकि तेनालीरामा जैसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं तेनालीरामा प्ले कर रहा हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है। सो देख, मराठी करायची काय इच्छा वगैरे आहे की नाही तुझी? मला मराठी येत नाही, शिकावी लागेल, एवढा क्यूट सा फेस मराठी इंडस्ट्रीला पाहिजे आमच्या। एक लाईन आवडतोय, मुलगी शिकली प्रगती झाली, तेवढंच। कृष्णा पहिले कैसा था और अभी तेलंगणा के बाद एक पूरी जर्नी आपकी चेंज हो गई है? नहीं, मैं जैसा पहले था मैं अभी भी वैसा ही हूँ। मैं जितना हैप्पी, चबी एंड इतना बड़बड़ करने वाला, मैं सिर्फ इतना सेट पे ही रहता हूँ। द मोमेंट मैं ये कॉस्ट्यूम उतारता हूँ और मैं सेट से बाहर जाता हूँ, मैं वापस कृष्णा भारद्वाज बन जाता हूँ, जो कि तेनालीरामा से ज़मीन आसमान के अंतर वाला अलग है। ये जितना ज़्यादा बोलता है तेनालीरामा, जितना ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है कृष्णा भारद्वाज, उतने ही
शांत और बोरिंग किस्म के इंसान हैं। मैं रियल लाइफ में बहुत बोरिंग हूँ, बहुत रिजर्व हूँ, मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, मैं पार्टी वार्टी नहीं करता, मैं बहुत होम बॉडी हूँ, घर पे रहता हूँ। तो द मोमेंट मैं इस गेट को क्रॉस करता हूँ, मैं वापस अपने आप में आ जाता हूँ और बड़ा सुकून मिलता है फिर, क्योंकि दिन भर आप कुछ और बने होते हो और आप जब वापस खुद में आते हो तो इतना शांत क्यों है? वो मेरी पर्सनैलिटी है, कृष्णा ऐसा ही है, पक्का कृष्णा की वो ऐसी है इसीलिए कृष्णा ऐसा है, कृष्णा की वो ज़्यादा शांत है इसीलिए। कृष्णा की कोई है ही नहीं, कृष्णा ही कृष्णा है अभी तो। मैं एक्चुअली बचपन से ही मैं ऐसा ही हूँ, बहुत शांत शांत किस्म का बंदा। तो आई गेस एज एन एक्टर यही सबसे बड़ा किक लगता है कि जो आप नहीं होते हो वो आपको प्ले करने का मौका मिले, वो मुझे तेनालीरामा में करने का मौका मिल रहा है। डेफिनेटली मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, देखा जाए कौन सी ऐसी सिमिलर चीज़ है आप में और तेनालीरामा में? मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, जो कि तेनालीरामा भी बहुत स्पिरिचुअल थे, उन्हें काली माँ का आशीर्वाद मिला था। मैं बहुत मेडिटेशन वगैरह करता था, अभी तो टाइम नहीं मिलता, पूजा पाठ वगैरह करता था। इंटेलिजेंस कहूँगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ तेनालीरामा जैसा तो लगेगा अपने मुँह या मिट्ठू बनना, बट हाँ कॉमन सेंस आईक्यू लेवल ये सब मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैं पढ़ाई बहुत करता था, बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक है, तो आई थिंक थोड़ी बहुत जो भी ज्ञान व्यान की बातें हैं जो तेनालीरामा हंसते हुए कह देते हैं मैं उनको बड़ी सीरियसली कहता था लोगों से। तो सिमिलैरिटीज़ इंटेलिजेंस वाइज विजडम वाइज थोड़ी बहुत है। तेनालीरामा से मैंने खुश रहना सीखा है, मैं इतना हैप्पी सोल नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से मैंने तेनालीराम प्ले करना शुरू किया है आई हैव बिकम अ हैप्पी सोल एंड थैंक्स टू दिस कैरेक्टर। इट्स अ वेरी नाइस थिंग आई थिंक, और ये हम लोग को भी हंसा रही है तेनालीरामा, और इसलिए हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पूरा दिन का स्ट्रेस निकल जाता है। बस आप लोग ऐसे खुश होते रहिए, ऐसे प्यार करते रहिए मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे कृष्णा की पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक्टिंग में, एक्टिंग करियर, कृष्णा ने कभी सोचा था कि ऐसा रोल मेरे सामने आ जाएगा कभी? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। जैसा कि मैंने कहा, मैंने अपनी गुजराती फिल्म ख़त्म की अप्रैल में, एंड आई थॉट कि सीरियल नहीं करना चाहता हूँ मैं, बिकॉज सीरियल करना इज़ लाइक अ फैक्ट्री में आप एक जॉब करने का काम होता है। मैं मलाड रहता हूँ, मलाड से नएगांव आता हूँ, रोज़ सुबह रात को जाता हूँ, तो कुछ पता नहीं चलता लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिल्म करने के बाद मैंने सोचा नहीं 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 करूँगा, बट वही है ना, एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जब आप किसी चीज़ के पीछे भागना छोड़ देते हो तब वो आपको मिलती है। जब तक आप भाग रहे होते तब तक शायद ना मिले, लेकिन द मोमेंट यू लीव रनिंग आफ्टर दैट थिंग इट कम्स टू यू, एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद मी। मैंने सीरियल सोचा नहीं करूँगा और ये सीरियल आ गया मेरे पास। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तेनालीरामा सीरियल आएगा और इतना बड़ा हिट हो जाएगा। मैंने सोचा हाँ बहुत सारे शोज आते हैं, 3-4 महीने में बंद हो जाते हैं, क्या होगा, बट पहले ही 10 सेकेंड की टीज़र से जो रिस्पॉन्स मिला, चैनल बहुत खुश हो गया, मैं तो होर्डिंग्स लग गए, इंटरव्यूज हो रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लोग मुझसे पूछते थे कैसा लग रहा है। हाँ? और क्या चाहिए मुझे एक्चुअली आज तक नहीं पता कि कैसा लग रहा है, बिकॉज मैं काम करने में इतना बिजी हूँ कि कभी मैं खुद को सोच ही नहीं पाया कि हेला मेरा पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पे, हाँ मैं हूँ। सब आकर चला गया, ठीक है, अभी लोगों का प्यार मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। कृष्णा एक चीज़ पूछना चाहूँगी, कृष्णा के लाइफ में बैड पैच कभी आया था? सबसे ज़्यादा कृष्णा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुई ये मोमेंट, ऐसा कौन? तेनालीरामा शो मुझे मिला है 4 साल के बाद। इन 4 सालों में मैंने हार्डली कुछ सीरियल्स में काम किए, डेली सोप तो किया ही नहीं, एपिसोडिक किया, एंड आई वाज फाइनेंशियली ब्रोक, बहुत लोन वोन था मेरे सर पे, जिसका मैंने अभी अभी चुकाया है सारे लोन्स तेनालीरामा के पैसों से। तो लास्ट के 2 साल तो बहुत ही ज़्यादा बैड थे, बिकॉज फ्रस्ट्रेटेड था, डिप्रेस था, कोई काम नहीं था, गुजराती फिल्म लिखने में बिजी था क्योंकि आई एम ऑल्सो द को राइटर ऑफ दैट फिल्म, बट पैसे नहीं आते थे कहीं से। बट उस बैड फेज़ ने मुझे एक बेटर एक्टर बनाया, ये बात मैं तेनालीरामा प्ले करते समय मुझे फील हुआ ये बात। तो यस बैड फेज तो आया था। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं यहाँ पे। घर पे आप कितने जन और कैसे रहते हो? मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, मेरा एक फ्लैटमेट है, मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, माई ओनली फ्रेंड इन बॉम्बे, ही इज़ एन आर्ट डायरेक्टर, तो यहाँ बस हम दोनों रहते हैं। मेरी मम्मी आती जाती रहती है मेरे पास, तो अभी आई हुई है, मम्मी के हाथ का खाना खाता हूँ रोज़, टिफ़िन लाता हूँ, इसलिए मेरे गाल थोड़े भरे भरे दिख रहे होंगे आपको, यू नो पेट भी निकल गया है। हाँ तो बस हम दो लोग ही रहते हैं। जैसे आप धर्म पूजा पाठ इन सब के अलावा आप जिमिंग वगैरह करते हो, क्योंकि एक्टर बोले तो पूजा पाठ के अलावा जिम पहले होता है, पहले एक्टर के मुंह में पहले जिम रहता है, पर ये ऐसा एक्टर है जिसके पहले मुंह में पूजा पाठ एंड ऑल दिस स्टफ मैंने सुना है पहली बार जी। पर ये जो एक्टर है ना, ये अपने आप को एक्टर मानता है, ये अपने आप को मॉडल नहीं मानता। मैं मॉडल एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। मैं अपने आप को हीरो नहीं मानता कभी भी। मैं ये कहता हूँ कि मैं एक कैरेक्टर एक्टर हूँ, एक
गाय नेक्स्ट डोर है जो हीरो की तरह बाहर निकलता है। तेनालीरामा हीरो नहीं था, ना ही हीरो है। लुक एट मी, मैं हीरो जैसा नहीं लगता हूँ, लेकिन जिस तरह के सिचुएशन से वो गुजर कर बाहर आते हैं वो हीरोइक वे में आते हैं, इसलिए हीरो बन जाते हैं। मैं रियल लाइफ में भी वैसा ही हूँ। मुझे जिम वगैरह कभी कभी सूट ही नहीं हुआ, मैं बहुत लेज़ी हूँ जिम जाने के लिए। मैं ये मानता हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ और अपने आर्ट को सेटिस्फाई करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, ना कि अपने डोलो शोलो में, जो कि थोड़ा बहुत है, इतना सा है जो चलता है मेरे लिए। आई एम क्वाइट कंटेंट विद दिस, सो नो जिमिंग फॉर मी। ऑल्सो मुझे टाइम नहीं मिल पाता जिम जाने का, बट टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अगर ऐसा कोई रोल आ गया कि या सिक्स पैक्स बना लो या यू आर द फिल्म में आप हीरो वीरो बन जाओगे, वो भी बॉलीवुड की फिल्म है ये वो, हाँ तब ज़रूर करूँगा। अगर किसी कैरेक्टर के लिए करना पड़े, भले वो हीरो हो फिल्म का, तो ज़रूर करूँगा। बिकॉज आई लव द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर अ कैरेक्टर। वो जो प्रोसेस होता है जहाँ पे आप एक कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, अपने आप को उस आग में झोंक रहे होते हो, वो बड़ा मज़ेदार होता है। घर पे किससे ज़्यादा कनेक्टेड हो? मेरे घर पे सिर्फ चार लोग हैं, मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई जो कि मुझसे 6 साल छोटा है, तो उसकी शादी भी हो गई है अभी। मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा क्लोज उसी से हूँ। तो जो मेरा भाई है उसको मैं अपना भाई कम और अपना बेटा मानता हूँ, हम दोनों सबसे ज़्यादा क्लोज हैं आपस में। जाते थे दर्शकों को क्या कहना पसंद करो? बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, और अभी भी आपका प्यार मिल रहा है। बस इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए। और एक बात जो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स और फैंस को कहता हूँ कि माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज माँ बाप ही आपकी लाइफ का बेस होते हैं। आई होप न्यू ईयर्स पे आपने बहुत पार्टीज़ करी होगी फ्रेंड्स लोगों के साथ, बाहर पब्स में डिस्क में गए होंगे। अब थोड़ा समय अपने माँ बाप के साथ बिताइए, उनके साथ न्यू ईयर एंजॉय कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। You